हेलो वर्गोज़ वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन बबल तो कैसे हैं आप सब आई होप काफ़ी बढ़िया होंगे और आप डिवाइन बबल पे वापस आए हैं टू गेट योर मंथली रीडिंग्स इन लव एंड रिलेशनशिप्स तो वर्गो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग तो हम रिक्वेस्ट करते हैं डिवाइन से इंजल्स से यूनिवर्स से वर्गो को बेस्ट पॉसिबल मैसेजेस दें थैंक यू वर्गो के लिए बेस्ट पॉसिबल मैसेज दें हमको फर्स्ट कार्ड क्या आता है वर्गो के लिए ऑगस्टी वन वी है इस कार्ड की तो इमेज में देख के ही आप समझ जाओगे या फिर आप मतलब बहुत फील है यहाँ पे एक दूसरे के लिए बहुत डिवोशन है रिलेशनशिप की एनर्जी में बता रही हूँ ये जो रिलेशनशिप में अभी एनर्जी चल रही है वो कैसी है जो आपकी पर्सनल फीलिंग होगी वो अलग होंगी लेकिन ऑलटोगेदर तो जो रिलेशनशिप की एनर्जी है एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना चाहते हो एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तैयार हो कुछ भी करने के लिए तैयार हो वर्को डिसाइड इसका मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है कि जब हम किसी के लिए स्टैंड लेते हैं तो हमें ऑलरेडी मन में पता होता है कि यही है वो जिसके साथ मेरा आगे का पक्का है फ्यूचर मेरा इसी के साथ है लेट मी सी वॉट एल्स और क्या है आपके लिए वी हैव द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ सोर्ड्स पास्ट में जो इंसिडेंसेस हुए इतने जिसे कहते हैं ना वर नॉट वेरी प्लेजेंट फॉर बोथ ऑफ यू दोनों को एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि अब जो है एक दूसरे का साथ देना चाहते हो किसी और पे भरोसा ना करके एक दूसरे पे ज्यादा भरोसा करना सीख गए हो और अब एक दूसरे का साथ देना चाहते हो नेक्स्ट इज दी किंग ऑफ व बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी बहुत स्ट्रांग एनर्जी मतलब ये ऐसा है कि एक दूसरे के प्रोटेक्टर बन गए हो। चलो, लेट मी सी आपकी क्या फीलिंग्स है फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालेंगे एंड फिर हम एक रीडिंग का एक अच्छा लेखा जो का आपको देख पाएंगे ओके एक कार्ड फ्लिप होकर नीचे गिरा है लेट मी पिक दैट आप जो फ्लिप हुआ था कार्ड फोर ऑफ सोर्ड्स सारी टेंशन का एंड कर देना चाहते हो मैंने कहा ना पीछे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर हुई है पास्ट में जिससे आप दोनों का पर्सपेक्टिव जो है ना एक दूसरे के लिए चेंज हो गया है ज्यादा इवॉल्व हो गया है प्रॉब्लम्स में तो आप नहीं पढ़ना चाहते वर्को यू आर जस्ट डन विद जो होगा सो होगा हम ऐसा ही करेंगे ये एटीट्यूड आ गया है आप में टेन ऑफ कप्स हाँ काफी सीरियस हो अपने रिलेशनशिप को लेके ड्रीमिंग डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है ये डे ड्रीमिंग चल रहा है ना यहाँ पे यहां देखो एक बार रेस्ट कर रहा है वो और सेकेंड कार्ड रेस्ट करते हुए क्या सपना देख रहा है टेन ऑफ कप्स का टेन ऑफ कप्स यानी कि हैप्पी फैमिली कंप्लीट फैमिली जिसमें कमिटेड रिलेशनशिप में हो आप हो आपकी फैमिली हो बच्चे हो बड़े बुजुर्ग हो एक घर हो पेट हो वो सब की ड्रीम है ये अभी एक्चुअल जिंदगी में उतर के नहीं आया है यू आर थिंकिंग अबाउट दिस की मुझे ये चाहिए लेट मी सी द लास्ट कार्ड फॉर योर फीलिंग्स और वो है मेरे पास एस ऑफ कप्स प्योर स्पिरिचुअल लव प्योर लव अनकंडीशनल आपकी तरफ से टू योर पार्टनर काफी लकी हैं वो जो भी हैं एंड लेट सी आप कितने लकी हो उनकी क्या फीलिंग्स है के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है वर को यू हैव द स Queen आपको नर्चर करना चाहते हैं दुनिया की हर एक खुशी जो वो आपको दे सकते हैं वो आपको देना चाहते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है ये मेल हो या ये फीमेल हो उससे फर्क नहीं पड़ता एनर्जी यहाँ पे जो है बहुत फेमिनिन लविंग केयरिंग है और नर्चरिंग है आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें करना स्मॉल जेस्चर्स यहाँ पे खिलाने का बहुत ध्यान रखा जा रहा है आप दिन में क्या खा रहे हो शाम में क्या खा रहे हो खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो उस टाइप की एनर्जी होती है ना वो मेरे बाबू ने खाना खाया उस टाइप के ये कपल्स यहाँ पे हैं मैं नहीं कह रही हूं ऐसा करना बुरा है बट इट इज देयर वेरी स्वीट एंड लेट मी गेट द लास्ट कार्ड एट ऑफ पेंटिकल्स एक दूसरे के लिए मेहनत करने के लिए भी तैयार हो वो तो बहुत एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं आप तो तब भी वर्गो अभी लेट के सपनों की दुनिया में खोए हो वो तो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं आपके लिए आपको नर्चर करने के लिए जो भी उनको बन पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी वो करना चाहते हैं अगर वो फीमेल हैं तो यू आर मोर लकीअर क्योंकि वो एक आइडियल वाइफ की एनर्जी एम्बॉडी करती हैं अगर ये एक फीमेल हैं तो शी नोज़ हाउ टू कुक शी नोज़ हाउ टू ड्रेस शी नोज कि जब घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना है कैसे हर एक चीज़ को एकदम परफेक्टली घर में प्रेजेंट करके रखना है शी नोज इट ऑल आप अनकंडीशनल लव वाले हैं और वो प्रैक्टिकली उसको कैसे एग्जीक्यूट करें कैसे चलाएं वो है उनकी एनर्जी लेट मी गेट आपका औरल कार्ड ये फाइनल मैसेज रहेगा फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट काफ़ी प्लेजेंट महीना है इसमें कोई ज़्यादा चैलेंजिंग या कुछ इश्यूज़ तो मुझे दिख नहीं रहे हैं बट एक दूसरे का स्टैंड ले रहे हो जो भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं उनसे थक चुके हो और कुछ नहीं करना है आपको एंड वी हैव न्यू लव अगेन हो सकता है कि घर वाले जो हैं इस प्यार को अप्रूव नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे स्टैंड लेने की एनर्जी है प्रॉब्लम्स को देख के आगे बढ़ने की एनर्जी है तो हो सकता है कि आपको इसका जो है ना फॉर्मल अप्रूवल नहीं मिल रहा था फ्रॉम योर फैमिली तो उसके एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना चाहते हो डे ड्रीमिंग भी इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ डिफिकल्टी है यहाँ पे रिलेशनशिप में जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी अब उस डिफिकल्टी को देख देख के उसको झेल झेल के भी थक चुके हो करना ही नहीं है आपको पढ़ना ही नहीं है उसमें जब डिसाइड कर लिया है उनके साथ रहना है अपने सेलेक्टेड पार्टनर के साथ तो उन्हीं के साथ रहना है बाकी लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं ये फीलिंग आपके मन में है बहुत नेचुरल सी बात है अगर किसी के साथ अटैचमेंट है तो ये वाली फीलिंग आना तो बहुत ही नेचुरल बात है बट स्टिल मैं आपसे कहूँगी कि दूसरों की भी फीलिंग्स का ध्यान रखें जिन लोगों ने आपको नर्चर किया इतना ध्यान रखा थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश करिए अटैम्प्ट तो करना बनता है अगर वो तब भी ना समझें तो दैट इज अ डिफरेंट केस लेकिन उनको समझाने की कोशिश तो आप कर ही सकते हैं अगर ये आपके साथ रेजोनेट करी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन पूरी रेजोनेट ना करे देन ऑल्सो इट इज फाइन बिकॉज दिस इज अ जनरल रीड ये पूरे के पूरे वर्गों के लिए है जितने भी वर्गों एग्जिस्ट करते हैं पूरी दुनिया में तो so, सबकी लाइफ तो सेम नहीं होगी चाहे आप वर्गो हैं बट स्टिल बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं दैट इज वाई ये पूरी तरह रेजोनेट नहीं करेगी सिर्फ जो रीडिंग आपके लिए हो उसके लिए आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करिए उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे होंगी चेक करिए ड्रॉप मी ई मेल लेट्स हैव अपॉइंटमेंट फॉर यू एंड लेट्स सी, तो वर्गो मिलते हैं अगले महीने बाय